यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से पीएचडी कर रही हूँ और मेरा जो रिसर्च टॉपिक है वो हिंदू बोर्ड की एंड वुमेन्स प्रॉपर्टी राइट्स, जिसमें मैंने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो इंटरप्रिटेशन है रिगार्डिंग वुमेन्स क्वेश्चन, किस तरह से उन्होंने एड्रेस किया है उस पर बात कर रही हूँ। एक्चुअली बाबा साहब अम्बेडकर को हम लोग पहले कृष्णा साहब को जानते थे, फैमिली कृष्णा साहब के, तो हम लोग बाबा साहब को पहचाने तो नॉर्थ इंडिया में मोस्टली लोगों का वही सीन होगा कि स्पेशली यूपी दिल्ली में कि डायरेक्टली अम्बेडकर को नहीं पहचानते हैं, पहले वो कृष्णा साहब को पहचानते हैं बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ बहुजन समाज पार्टी एंड देन अम्बेडकर। सो अगर हम बात करें कृष्णा साहब की तो आई वुड से कि ही वाज अ ग्रेट पॉलिटिकल साइंटिस्ट जिन्होंने एक पॉलिटिकल राजनीतिक बदलाव लाने के लिए, एक सत्ता परिवर्तन के लिए, उन्होंने सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन के लिए जिस तरह से लोगों की भाषा में बात करी, लोगों को उनकी भाषा में कन्विंस किया और उनको मोबिलाइज किया, और तो उस चीज को करने के लिए जिस तरह से राजकुमार सर ने मेंशन किया कि एरिस्टोटल, प्लेटो इस तरह से लोग हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं बट उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, तो उसके एकदम अपोजिट कृष्णा साहब ने चीजों को समझा और व्यवस्था जिस तरह से काम कर रही है, ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर जिस तरह से काम कर रहा है उसको समझकर एक ऑल्टरनेट प्रोवाइड किया, उन्होंने प्रोवाइड किया, उसको इम्प्लीमेंट भी करवाया और काफी हुआ भी उसका इम्प्लीमेंटेशन। अब जब लास्ट वीक शायद जब राजभवन फर्स्ट इशू पे बात हो रही थी कि हम लोग एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे तो मैं सबसे पहले बोल रही थी कि ज्यादातर लोग साहेब के राजनीतिक मुद्दों को पहचान को जानते हैं, उन्हीं पर बात करते हैं, लेकिन मैं सोशल एस्पेक्ट पर को जानने का कोशिश करूंगी। लेकिन जब मैंने उस चीज को पढ़ना शुरू किया तो आई वाज लाइक कि सोशल एस्पेक्ट या सोशल मूवमेंट जिसे हम बोलते हैं वो किसी सोसाइटी में पॉसिबल है। इंडियन उसके पीछे एक रीजन